में एक मूवी बन रही है एसबीआई को लेके, यस कितना ज्यादा लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर था, लेकिन स्टॉक इस समय डेज लो पे है अहेड ऑफ नंबर्स, क्या एग्जैक्टली है उसके अंदर? हम अपने कोलीग हर्ष के साथ ये जानते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं कि नंबर्स में इस तरह का क्या है कि स्टॉक 2% नीचे हो गया अहेड ऑफ द नंबर्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर्ष? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वार्टर 3 FY22 के रिजल्ट्स देने को तैयार वीकेंड में, और हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रीट से अपेक्षा क्या है क्वार्टर 3 के रिजल्ट से। नेट इंटरेस्ट इनकम प्रिटी मच जो भी क्वार्टर 2 में आया उसके ही आसपास आएगा, 31,200 करोड़ के थोड़े आगे पीछे 8% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो पीपीओपी है उसमें काफी अच्छा बढ़ान आएगा, 7.5%+ सिक्वेंशियली और 12.5% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ वो नंबर दिखाएगा, और अब वो 19,500 करोड़ के आसपास वो नंबर आएगा। और पैट में भी अच्छा ग्रोथ आएगा, 7.5% पैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रोविजंस थोड़े लोअर आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो, और पैट जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो उसमें 58% का बढ़ान आने की संभावना है ब्रॉडली, और वो 8,200 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है स्ट्रीट की। ग्रॉस एनपीएस को देखा जाए तो वो अराउंड 0.2% से कम आएंगे, और नेट एनपीएस 0.1% से कम आएंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे देखा जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो। और जो कंप्यूटेड निम्स है वो 3.1 और 3.2% के बीच में आएंगे ब्रॉडली, वही नंबर एक्सपेक्टेड है। और बैलेंस शीट के साइड से जब हम एडवांसेस और डिपॉजिट साइड दोनों अच्छी ग्रोथ बताएंगे, एडवांसेस 3.5% प्लस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो होंगे, ऑलमोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ दिखाएगा एडवांसेस नंबर। डिपॉजिट्स में भी 2% सिक्वेंशियल ग्रोथ आने की संभावना है, 10% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो 2% है उसमें काफी अच्छा प्रभाव कासा रेशो का, तो कासा रेशो भी अच्छा इंप्रूव होगा, ऑलमोस्ट 0.2% से कासा रेशो इंप्रूव होगा, ब्रॉडली 45% के आसपास आएगा। अब हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी स्पेशली रिटेल और कॉर्पोरेट बुक के साइड से वो इंपॉर्टेंट होगा, और जो लार्ज कॉर्पोरेट का ग्रोथ है, केपेक्स साइकिल का पिकअप है, उसकी कमेंट्री सुनने की अच्छी लगेगी। चले तो ये रहेंगे एसबीआई के अनुमान, अब देखना होगा कि कल ये रिजल्ट्स आने के बाद किस तरह का मंडे को स्टॉक रिएक्ट करता है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट से पहले इस वक्त थोड़ा प्रेशर, और पूरे बैंकिंग स्पेस पे ही आपको प्रेशर दिख रहा है, लेकिन एक फाइनेंस काउंटर है